सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब महोदय, नाम जिसने ये लिखा तराना हिंद, तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप जय हिंद का नारा लगाते हैं हर अंत में, हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं, उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे, अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजो भारत छोड़ो साइमन गो बैक, किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया, और जो क्रांति का आगाज हुआ बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग, या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मशहूर एक और बड़े, अभी कुछ दिन कुछ साल पहले ही इनका निधन हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहते थे, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है।